हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम देखेंगे तत्काल टिकट IRCTC से किस तरह से मोबाइल से अपने बुक कर सकते हैं। तो चलिए, उसके कुछ स्टार्टिंग प्रोसेस है, उसको फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले अपना IRCTC ओपन करना है, उसके बाद माई अकाउंट में जाकर मास्टर लिस्ट होगा, उसमें आपको अपना आधार कार्ड के साथ या पैन कार्ड से जो भी ID प्रूफ हो उसके साथ पहले नाम ऐड कर लेना है। ये सबसे पहले प्रोसेस करना है आपको टिकट बुकिंग से पहले, कुछ इस तरह से जिसका आपका इंटरफेस दिख रहा होगा, आपको इस तरह से उसको बुकिंग कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको जाना है प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जाना है, जैसे मुझे छपरा, सिवान से छपरा जाना है, तो उसके लिए बुक किया है, तत्काल टिकट कोटा लिखा है, आप वहाँ पे तत्काल लिख कर और अगले डेट को, मैंने एक दिन पहले बुक होता है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही 10 बजने वाला होगा उसके 2 मिनट पहले, अगर AC में कर रहे हों तो, स्लीपर में कर रहे हों तो आप 11 बजे 2 या 3 मिनट पहले आपको इस तरह से लॉगिन कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चर कोड डाल के इस तरह से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद फिर से आप प्लान माई जर्नी पे जाके एक बार फिर से आप कहाँ से कहाँ तक जाना है इस तरह से पूरा सेलेक्ट करिए। एक दिन पहले बुकिंग होता है ज़्यादातर ट्रेनों का, तो आपको अगला डेट डाल के तत्काल पे क्लिक करना है। यह ध्यान रखिएगा, कोटा तत्काल जरूर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहें तो ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ, जैसे भी आप जिसमें सीट खाली हो वही सीट सिर्फ अवेलेबल हो, तो उसके लिए भी आप में इसमें ऑप्शन है। देखिए जिस तरह से इसमें दिख रहा है उस तरह से आपको टिक कर लेना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, एक ट्रेन है, इसमें स्लीपर AC और थर्ड AC में ये सीटें बता रहा है कितनी सीटें अवेलेबल हैं, जो कि AC का 10 बजे और स्लीपर का 11 बजे ओपन होगी। आपको क्या करना है, इसको इसी तरह से सेलेक्ट करना है और वेट करना है। ठीक है, 1 मिनट पहले करिएगा, नहीं तो आप अगर जल्दी करेंगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा, फिर लॉग इन करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम आपका चला जाएगा एकदम से उस टाइम पे। ठीक है, कुछ हो सके तो यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं आप 1-2 बार, क्योंकि कई बार उस टाइम सर्वर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपका ऐसे ही दिखता रहेगा और सीटें बुक हो जाएंगी। तो 1-2 बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिए जैसे ये मेरा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है इसको, तो मैं इसको थोड़ा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी भी शो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल लाइव बुकिंग दिखा रहे हैं हम आपको ट्रेन की, तो यहाँ पे देखिए अभी भी शो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थर्ड AC पे क्लिक करके फिर AC पे क्लिक करूँगा, सेकेंड AC पे क्लिक करके थर्ड AC पे, तो देखते हैं इससे होता है कि नहीं अवेलेबल। सब टाइम 10 बज गया है, बिल्कुल हमें AC के लिए बुक करना है, ये अवेलेबल शो होने लगा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, नीचे प्रोसेस डिटेल्स पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वालों पर एड एक्सिट पे क्लिक करना है, जो मास्टर लीड आपने लिखा था उसको सेलेक्ट करके प्रोसेस पे रिव्यू पे क्लिक कर देना है आपका। आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या चाहें तो वही का वही रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद नीचे आने के बाद आपको योर डेट, इसमें आप सेलेक्ट चाहें सीट किस तरह से चाहिए वो ऑप्शन है, आपको सिर्फ बर्थ ही अवेलेबल चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एड्रेस डालना है। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं भरिएगा, बहुत ज़्यादा भरने का ऑप्शन आता है, तो आप सिर्फ एड्रेस डालिएगा और पिन नंबर डालिएगा ऊपर, शॉर्ट में ही एड्रेस डालिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए जैसे मेरा पिन नंबर गलत हो गया है, तो मैं अब इसको बैक करके पिन नंबर एक बार फिर देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ अपना। उसके बाद देखिए आगे क्या किया जाता है, फिर मैं इसको पिन नंबर डाल के अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लूँगा, बाकी वो स्टेट ऑटोमेटिक ही ले लेगा आपका और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे क्लिक करिएगा पे वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है अपने आपको, कैप्चर कोड डालने के बाद प्रोसेस टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। बहुत सिंपल है, इतना तक आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपका लेट होता है, मेन चीज़ है आपका वो रहता है यहाँ पे UPI पेमेंट का, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे भीम UPI से मैं कर रहा हूँ, PayTM के थ्रू मैं पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिसमें आपका PayTM हो, ओके PayTM नंबर रजिस्टर हो जिस नंबर से, उसको आपको डाल के यहाँ पे OTP मांगेगा। अगर उसी मोबाइल में होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदर होगा तो OTP डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप जाइए अपना PayTM ओपन करिएगा, इस पर ऊपर या तो आएगा, थोड़ा टाइम लगता है, इससे अच्छा है आप PayTM डायरेक्ट ओपन कर लेंगे तो वहाँ पर भी शो होने लगेगा। ठीक है, तो मैं देखिए इस तरह से यहाँ पे PayTM पे क्लिक कर लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे अपने आप ही शो होने लगेगा। देखिए ये हो रहा है, प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है, नीचे देखिए पे इतने रुपये करना है आपको, IRCTC का पूछ रहा है, यहाँ पे पिन नंबर डालिए, पेमेंट हो जाएगा, बहुत जल्दी पेमेंट हो जाएगा अगर वहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर अपने टिकट पे जाइए और थोड़ा इंतज़ार कर दीजिए, प्रोसेस हो गया है, पेमेंट प्रोसेस फुल हो गया है, देखिए ये कंफर्म हो गया है। तो इस तरह से आपको बुक करना है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, 1 मिनट लगता है कम से कम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।